हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सलवार की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो सलवार की कटिंग और सिलाई आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि हमें कहाँ कितनी मार्किंग करनी है और किस तरह से हमें कटिंग करनी है और सिलाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे इस तरह से। तो सलवार की इसकी फिटिंग हम रखेंगे 39 इंच की हम ये सलवार बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। सबसे पहले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बेल्ट का जो कपड़ा होगा उसकी लंबाई को निकाल कर हम पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी बाद में बेल्ट लग जाएगी तो सलवार की फिटिंग ठीक आ जाएगी। तो पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप कपड़ा उल्टा और सीधा देख लें। उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करना है हमें। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो हम लंबाई नापेंगे। तो फोल्ड करा हुआ मैंने, तो फोल्ड करने के बाद हम यहाँ इस तरह से लंबाई नापेंगे। यहाँ मैंने ली है 15 इंच। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमें उतना रखना होता है जितनी हमें सलवार की मोहरी रखनी होती है। तो हम इस सलवार की मोहरी रखेंगे यहाँ 6.5 इंच। तो हम यहाँ 7.5 इंच लेंगे और हमारा सिलाई में चला जाएगा और बाकी हम इसकी मोहरी 6.5 इंच ही बनाएंगे। तो यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और सलवार पार्ट की लंबाई हमें सलवार की बेल्ट की लंबाई को निकाल कर ही बनानी है। तो बेल्ट बनाएंगे हम 6 इंच की और ये सलवार की लंबाई रखेंगे हम 39 इंच की। तो हम इसके पार्ट को काटेंगे यहाँ 33 इंच पे। तो 33 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरह से कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बिल्कुल वीडियो को आराम से देखिए और इस वीडियो के जरिए आप सलवार की कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ निशान लगा लिए हैं यहाँ 33 इंच पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो आप देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको जब खोलेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमने ये फोल्ड करा था तो ये डबल हो गया है। तो हम इनको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हमारी ये पार्ट की कटिंग हो चुकी है। कली की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पहले बेल्ट का कपड़ा निकाल देंगे। तो बेल्ट का कपड़ा निकालने के लिए इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। डबल करने के बाद हम यहाँ 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। 9 इंच पे मार्क लगाएंगे हम। 6 इंच की हमें कंप्लीट बेल्ट बनानी है और बाकी हम इसके नेफे को मोड़ने में कपड़ा आ जाएगा। तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ और यहाँ हमने ये लंबाई ले ली है 22 इंच। इस तरह से डबल में है ये, तो 22 इंच लंबाई ले ली है। हाँ, हम ये बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम कली की कटिंग करेंगे। तो कली और डबल करने के बाद हम बराबर बिछा लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा बराबर रख लिया है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई मैंने आपको बताई कि हम पार्ट में आसन की जितनी भी रखनी है वो प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ 41 इंच ले रहे हैं। 8 इंच का हम यहाँ आसन बनाएंगे। 41 इंच पे यहाँ निशान लगा रहे हैं।
इस तरह से 41 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने यहाँ इस तरह से निशान लगा लिए हैं 41 इंच पे। इसके बाद हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा पाइचे बनाने के लिए नीचे पाइचे की फोल्ड करने की हमारी पट्टियां निकल गई हैं इस तरह से। और ये हमारा, अब हमारा ये कपड़ा 41 इंच का हो गया है। अब हम कली की जब कटिंग करेंगे तो हमारा ये डबल है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें डबल करके रखना है, ये डबल है। और डबल में हम यहाँ पर इस साइड और इस साइड हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से 8 इंच पे, क्योंकि हमें आसन रखना है 8.5 इंच का। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारा आसन फिट आ जाएगा। तो हमने यहाँ 8 इंच पे निशान लगाया है। और इसी तरह हमें यहाँ दूसरी साइड, इसी तरह हमें यहाँ दूसरी साइड भी 8 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हमने 8 इंच पे निशान यहाँ लगाया है और 8 इंच पे निशान यहाँ लगाया है। अब इन निशानों से हमें इस निशान को इस तरह से मिला देना है। ये हमने निशान मिला दिए हैं। अब निशान मिलाने के बाद हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। इस निशान पे कटिंग करने के बाद हमारा ये इस तरह से ये कली बन गई है। कली की कटिंग, ये हमारा इधर फोल्ड करा था तो ज्वाइंट है, इसको अलग कर लेंगे। अलग कर लिया है और इसी तरह से हमें ये यहाँ पर भी अलग कर लेना है। कटिंग हो गई है, ये यहाँ कलियों की कटिंग हो गई है, ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारी पार्ट्स की कटिंग हो गई है और ये हमारी पाइचे बनाने के लिए पट्टियों की कटिंग हो गई है। अब इन सब कटिंग के बाद अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो म्यानी की कटिंग करने के लिए हम यहाँ ये कपड़ा ले लेंगे और कपड़ा लेने के बाद हम कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद ये सीधा कर लेंगे यहाँ। तो मैं यहाँ म्यानी की लंबाई ले रही हूँ 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ यहाँ 4.5 इंच। तो इसको हम काट लेंगे पहले। अब काटने के बाद में हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ तिरछे में निशान इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी डबल में दो म्यानी की कटिंग हो गई है। तो ये हमारी म्यानी की कटिंग हो गई। अब हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम कली लेंगे। ये हमारी दो कलियां हैं जो हमने कटिंग करी थी और हम यहाँ पार्ट लेंगे। तो पार्ट ले लिया है हमने इस तरह से और इसको इस तरह से रखेंगे हम यहाँ इस तरह से और इस तरह से हम यहाँ कली को रखेंगे इस तरह से दोनों साइड। इस तरह से कली को रखने के बाद हम इन दोनों को इस तरह से यहाँ और इसे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से यहाँ सिलाई कर ली है, इस तरह से हमने इनको जोड़ लिया है
देखिए आप इस तरह से हमने कलियों को जोड़ लिया है। अब कली को जोड़ने के बाद हम इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, उन कलियों को भी जोड़ने, इसमें भी जोड़ लगा, इसकी भी सिलाई कर ली है और इस तरह से हमने इसकी भी सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद हमें इस वाले नीचे वाले कपड़े को इस तरह से रखना है। यहाँ वाली साइड हम म्यानी लगाएंगे। अब म्यानी लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ म्यानी लेंगे इस तरह से। अब म्यानी लेने के बाद हम इसको इस पर रखते हुए यहाँ, और ये सीधी साइड है हमारी सलवार की, ये सीधी साइड है और इधर की साइड हमारी उल्टी है, तो हम यहाँ सीधी साइड पर इस तरह से म्यानी रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ इस पर सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद हम जब इसको इस तरह से खोलेंगे और दूसरा पैंचा लेंगे हम सलवार का, और दूसरे पैंचे की ये उल्टी वाली साइड है और इधर है ये सीधी वाली साइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी वाली साइड हम ऊपर रखेंगे इसके इस तरह से, उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ है और सीधी वाली साइड इसकी नीचे की तरफ है, और इस तरह से हमें म्यानी के ऊपर रखते हुए यहाँ इस तरह से म्यानी के ऊपर रखते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा देनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें यहाँ म्यानी लगानी है, और आप देखिए ये इस तरह से हमारी म्यानी आ गई है यहाँ। इसी तरह से ये उल्टा वाला साइड है और ये हमारा सीधा वाला साइड है। अब इसी तरह से हम इसको इस तरह से करते हुए दोनों पैंचों को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से, और हमने जिस तरह से उधर म्यानी लगाई थी इधर हम दूसरी साइड भी इसी तरह से म्यानी यहाँ लगा लेंगे। इस आप देखिए यहाँ हमने दोनों तरफ इस तरह से म्यानी को लगा लिया है, यहाँ इस तरफ लगा लिया है और ये हमने इस तरफ लगा लिया है म्यानी को। इस तरह से हमने दोनों तरफ म्यानी को लगा लिया है। अब हमें म्यानी और दूसरी साइड ये इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स ये हमारी सीधी वाली साइड है और इस तरह से हमें ये रख लेना है। तो एक पाचा इस तरह से आप देखिए आ गया है ये हमारा सिल्के इस तरह से, और एक ये हमारा इस तरह से ये यहाँ म्यानी लग गई है, और एक ये इस तरह से, और एक पोंचा हमारा ये तैयार हो गया है। एक पोंचा फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है हमारा, ये देखिए आप यहाँ म्यानी है और एक पोंचा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो प्लेट डालने के लिए हम प्लेट डालेंगे यहाँ म्यानी से, तो इस तरह से हम यहाँ रखेंगे इसे, और प्लेट हमें किस तरह से डालनी है ये देखिए, ये हमें इस तरह से यहाँ आप यहाँ 2-2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो प्लेट हमें डालने के लिए यहाँ 2 इंच पे निशान लगा लेना है, 2-2 इंच पे इस तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए हमें यहाँ प्लेट डालनी है। तो इस तरह से हम जब उठाएंगे यहाँ इस तरह से, तो यहाँ निशान से यहाँ फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से लेंगे और इस वाली प्लेट के ऊपर रखेंगे। हमें यहाँ नीचे नहीं रखना, हमें दूसरी वाली प्लेट के यहाँ ऊपर रखना है, और इसी तरह से हम इसमें प्लेट डालते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको डाल के भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमें डालनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्लेट डालनी है इस तरह से, इसको करते हुए यहाँ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। आप पहले यहाँ कच्ची सिलाई लगा लीजिए प्लेट डालकर, ताकि आपकी प्लेट्स आगादौड़ी ना हो। उसके बाद हम इसको बेल्ट में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने जब यहाँ प्लेट डाली है, और थोड़ी सी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से फिर से फोल्ड करना है। यहाँ फोल्ड करते हुए हमें इस वाली प्लेट के ऊपर इसको रखना है, प्लेट के ऊपर ही रखना है हमें, और यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह दूसरी प्लेट भी डालनी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर रख इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है प्लेट के।
तो फ्रेंड्स हम ये प्लेट जो डाल रहे हैं, प्लेट हमें हमने अपनी बेल्ट की जो कटिंग करी थी 22 इंच उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्लेट डालनी है, उतने ही हमें यहाँ 22 इंच की फिटिंग के हिसाब से ही प्लेट डालनी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप प्लेट डालें इस तरह से, हमने यहाँ ये प्लेट डालनी है इस तरह से, ये इस तरह से हमने यहाँ प्लेट्स डालनी है, ये इस तरह से हमें यहाँ प्लेट डालनी है। आप इन्हें प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से नीचे तक प्लेट्स को सीधा करते हुए, इस तरह से हमने ये प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद अब हम इसके जहाँ हमने म्यानी लगाई थी दूसरी साइड जो है, हम इसको इस तरह से रखते हुए ये हम बराबर करते हुए देख लेंगे कि हमारा एक पोचा कितनी कितनी फिटिंग का आया है। तो हमारा एक साइड है ये आया है हमारा 14 इंच का। तो हमने बेल्ट की कटिंग करी थी अपनी 22 इंच की, तो हमें यहाँ प्लेट्स और डालनी है और हमें यहाँ 11 इंच रखना है। तो हम यहाँ प्लेट डालेंगे, तो हमने आगे की ओर प्लेट डालनी है। अब हमें यहाँ म्यानी का दूसरा वाला साइड जो है यहाँ हम इस तरह से एक एक प्लेट डाल देंगे और हम एक साइड का पोंचा रख लेंगे 11 इंच का। तो इस तरह से हम एक एक प्लेट यहाँ डाल देंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और जिस तरह से हमने इस पोंचे में यहाँ प्लेट डाली है, इसी तरह से हम दूसरे पोंचे में भी यहाँ प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ इस वाले पोंचे में हमने यहाँ प्लेट डालनी है। अब इसी तरह से हम यहाँ इस वाले में यहाँ इस तरफ से ये प्लेट इधर की तरफ है और ये वाली प्लेट हम इधर की तरफ डालते हुए यहाँ इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे, यहाँ दोनों तरफ प्लेट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ हमने दोनों साइड घूम डाल लिए हैं इस तरह से। अब डालने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट को लगाने के लिए हमने बेल्ट ले ली है और बेल्ट को इस तरह से यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए रखते हुए यहाँ बराबर निशान से जहाँ ये है बीच से यहाँ रखते हुए आधा इंच यहाँ हम सिलाई में जब बेल्ट को यहाँ दूसरे हिस्से में जोड़ेंगे तब हम यहाँ सिलाई में दबाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम यहाँ सब जगह इस तरह से और घुमाते हुए इस तरह से हमें पूरे में यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ बेल्ट लगा ली है और जो ये कपड़ा था यहाँ बीच में से हमने सिलाई करके और बेल्ट को इस तरह से इस पर जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से नेफे को फोल्ड करेंगे और ये हमने यहाँ खुला रखा है, इतना साइड खुला रखने के बाद ऊपर वाला साइड जो यहाँ खुला रखा है अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये नेफा हो जाएगा। तो हम नेफे पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से सब जगह। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ नेफा को फोल्ड कर लिया है और इस तरह से आ गया हमारा नेफा। अब आप देखिए ये हमारी बेल्ट बन गई है 6 इंच की कंप्लीट। और अब हमें क्या करना है एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी प्लेट्स पक्की हो जाएं। और तो एक सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम पैचे बनाएंगे और पैचे के लिए आप देखिए इस तरह से पहले हम नाप लेंगे कि यहाँ कितना है। तो ये है हमारा 17 इंच, तो हमने कपड़े की पट्टी 17 इंच की ले ले रही है। ये पट्टियों की कटिंग तो हमने पहले ही कर ली थी, अब हमें यहाँ 17 इंच की पट्टी ले लेनी है। और पट्टी लेने के बाद अब मैंने यहाँ ये बुकरम कट किया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ ये बुकरम की दो पट्टियां कट की हैं। ये बात सबसे पहले हम पट्टी पर इस तरह से बुकरम को सिल लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा बुकरम जब पैचे बनाए तो इधर उधर सरके ना। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो हिस्सा है इस तरह से इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा बुकरम एक्स्ट्रा हो रहा है इसे निकाल देंगे यहाँ से और ये हमारी पट्टी बन गई है इस तरह से।
और यहाँ हमने आधे इंच पे कपड़ा छोड़ दिया है सिलाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोंचा लेंगे। तो पोंचे को इस तरह से सीधी साइड से रखते हुए, यहाँ सीधी साइड से रखते हुए हमें इस पट्टी को और जो हमने ये सिलाई के लिए कपड़ा बचाया था यहाँ इसके बराबर से रखते हुए इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब ये पोंचा हमारा इस तरह से आ गया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ फोल्ड करने के बाद हम यहाँ अंदर से किनारे बुकरम पर ऊपर किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ इस तरह से हम रखते हुए बराबर रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए इस तरह से आ गया है पोंचा हमारा। और इसी तरह से हम दूसरा पोंचा भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से ये काट देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पोंचा भी अपना रेडी कर लेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से हमारा ये पोंचा आ गया। इस पर हम डिजाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने पाइचे की डिजाइन भी बना ली है इस तरह से। अब हमने दोनों में पाइचे बना लिए हैं। अब पाइचे बनाने के बाद अब हम इन पाइचों को इस तरह से फोल्ड करते हुए और अपने पाइचों को जितना भी खुला रखेंगे उतने पर यहाँ निशान लगाते हुए, तो मैं यहाँ 6.5 इंच खुला रखूंगी, तो मैं यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरह से। और इसको इस तरह से करते हुए, इस तरह से उल्टी साइड है ये हमारी, और यहाँ सिलाई लगा लेंगे यहाँ सब जगह, यहाँ अंदर वाली साइड में यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। फ्रेंड्स हमने यहाँ अंदर की साइड सिलाई लगा ली है इस तरह से। यहाँ अंदर की साइड सिलाई लगा ली है दोनों पाँचों में। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब आप देखिए हमारी इस तरह से कितनी घेर वाली फुल हैवी सलवार बन गई है। इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हमारी सलवार बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।